ट्राई टू इग्नोर अपनी हेल्थ को और थायराइड को भी ऑब्वियसली, क्योंकि फिलहाल थायराइड के हवाले से सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सारिम हशमत लोधी और मैं ENT का डॉक्टर हूँ मेनली, यानी कि नाक कान और गले का डॉक्टर हूँ। हेड एंड नेक के कैंसर भी निकालता हूँ, लेकिन मेरी जो स्पेशलिटी है जिसमें मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ वो थायराइड ग्लैंड है, यानी कि गिलर। बेटा थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है, एक ऐसा ऑर्गन है जो कि होता तो नेक में है, और लाइक एनी अदर थिंग इन आवर बॉडी ब्रेन से कंट्रोल होता है। ब्रेन में बेटा एक ग्लैंड होता है, उसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि टोटल 9 हॉर्मोन रिलीज करता है। एंड ये केमिकल्स, 9 केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट चीजों के लिए बॉडी में, जिसमें एक हार्मोन होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। I must tell you कि ये निकलता है ब्रेन से, ठीक है। TSH नाम से ही पता चलता है कि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो इसका काम खुद ही से पता चलता है। जब ये ब्रेन से निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये गर्दन में मौजूद थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिसकी रिस्पॉन्स में थायराइड हार्मोन बनाता है T3, T4 और ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ। थायराइड का जिस्म में ये समझे कि जैसे कि हमारे किचन में चूल्हा होता है ना, चूल्हे की आग, बस वो हैसियत है। अगर आंच कम या ज्यादा हो जाए तो ओवरऑल चूल्हे से हर चीज को फर्क पड़ जाएगा। बेटा पहली ख्वाहिश तो मेरी ये है कि लोग थायराइड के बारे में शिकायत करना शुरू कर दें। लोग आमतौर पर, जो सबसे कॉमन चीज मैंने अपने मुल्क में देखी वो ये है कि लोग जिस तरह से मशहूर है ना कि शुतुरमुर्ग खतरे के वक्त अपनी गर्दन को रेत में दबा लेता है, तो सबसे ज्यादा तो मुझे लोगों से ये शिकायत होती है कि वो डिजीज को देख के तो अपनी गर्दन शुतुरमुर्ग की तरह रेत में छुपा लेते हैं। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ट्राई टू इग्नोर अपनी हेल्थ को और थायराइड को भी ऑब्वियसली, फिलहाल थायराइड के हवाले से सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है। दूसरा, ये जो हमें कुछ इसकी एनाटॉमिकल यानी कुछ देखने में कुछ फर्क लगते हैं चीजें, और कुछ हमारी बॉडी की अंदर तब्दीलियां, जैसे कि बाज दफा ये बड़ा साइज हो जाता है और ये गिल्लड़ का शक्ल इख्तियार करता है, जो कि सांस की नाली को दबाता है और शरीर को भी दबाता है, और बाज ओकेजन पे खुदा ना खास्ता ये कैंसर में भी तब्दील होकर फैल सकता है, और जाहिर हमें पता है कैंसर कितना खतरनाक होता है। दूसरा बेटा, ये जो दिल की धड़कन को तेज करता है, वजन को कभी किसी स्टेज पे बाज दफा बढ़ा देता है, बाज दफा कम कर देता है। जिन बच्चियों के घरों में बच्चे नहीं है, बाज दफा ये उनको प्रेग्नेंट भी होने में बहुत डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है। दिल घबराना, जबरदस्त बिला वजह में गुस्सा आना, बिला वजह में पसीना आना, कभी सर्दी बैठे बैठे लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, ये पूरे जिस्म को बिल्कुल ऐसे कंट्रोल करता है जैसे हमारे घरों के चूल्हा, चूल्हे की आग पूरे किचन को कंट्रोल करती है। किसी भी मरीज को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बिला वजह में सीरियस चीजों को घर पे नहीं हैंडल करना चाहिए। हाइपर थायरॉयडिज्म अगर डायग्नोस हो चुका है तो इट्स अ सीरियस कंडीशन, उसको खुद से मैनिपुलेट ना करें। हाइपर थायरॉयडिज्म में दिल का घबराना, चिड़चिड़ापन होना, वजन का अननेसेसरीली गिरना, खावा पिया जिस्म को ना लगना, ये तमाम अलामत होती हैं। अर्लीस्ट किसी भी थायरॉयड स्पेशलिस्ट से रब्ता करें और अपना इलाज कराएं, यही सबसे अच्छी चीज़ है जो कि की जा सकती है।